हेलो दोस्तों, टीम इंडिया की ओडीआई टीम घोषित हो गई है। टीम इस प्रकार है: शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, पंत, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, अर्शदीप, उमेश उमरान मलिक और यूबी चहल। ओडीआई में शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है, उप कप्तान श्रेयस अय्यर जी को बनाया गया है, ऑलराउंडर के दीपक हुड्डा बासिंदा सुंदर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है बीच के ओवरों में, और गेंदबाजी में दीपक चहर, अर्शदीप, उमरान मलिक, यूबी चहल चहर का दामोदार होगा। शिखर धवन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोला है कि कड़े फैसले ले सकता हूं। वैसे भी पूरे टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी हमारे धवन जी ही हैं। जैसे देखा गया है, हार्दिक पांड्या के सर पर जैसे ही कप्तानी का बोझ पड़ा, उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं चल पाई है। इसी तरह धवन को इस चीज को ध्यान देना होगा कि कप्तानी अलग बात है, मेन उनका बल्लेबाजी है। बल्लेबाजी के बिना टीम इंडिया जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्हें अपना बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देना है। दीपक हुड्डा बासिंदा सुंदर से काम निकलवाना इनका बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि दीपक हुड्डा ने तो थोड़ा बहुत अपने आप को साबित भी किया है, लेकिन बासिंदा सुंदर को मौका नहीं मिल पाया है। एक अच्छे खिलाड़ी है, उनके मौका दिया गया है। ऐसे भी 20 के ओवरों में ऑलराउंडर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शुभमन गिल अय्यर को बहुत मौका मिल चुका है, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर पाया है। ये इनका एक सुनहरा मौका हो सकता है शुभमन गिल और अय्यर के लिए। एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक अपने आप को फिर से साबित करे ओडीआई में। जिस तरह से उनको उन्होंने T20 में परफॉर्मेंस दिया है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है पंत, इतनी ज्यादा उनको दिया गया है मौका, उसके बाद भी वो अपने मौके को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनको रोहित शर्मा के सामने में देख नहीं पा रहे, कितने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद भी उन्हें बाहर बैठाया गया है। तो बाहरी सपोर्ट ज्यादा काम नहीं करेगा, खेल ही माने रखा जाता है। मैच 25 नवंबर, 27 नवंबर और 30 नवंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे चालू होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि अब लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।